अभी तो सर मैं कॉल सेंटर में काम कर रहा हूँ नाइट शिफ्ट में, तो ना चंडीगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिल रहा है और ना ही कोई कैश अवार्ड का कुछ हो रहा है। तो जब भी जाता हूँ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के पास, स्पोर्ट्स काउंसिल के पास, तो ये बोलते हैं जब पॉलिसी बनेगी तो हम आपको बता देंगे। अभी 2018 से लगातार मैं जा रहा हूँ और अभी तक उनकी कोई पॉलिसी नहीं हुई है। तो बहुत डिफ़िकल्ट है वैसे तो, बट कंटिन्यू कर रहा हूँ कैसे भी ना कैसे, क्योंकि घर की भी जिम्मेवारी है और फिर जो हमने मैंने चुना हुआ है उसको भी आगे लेके जाना है। मैं इसलिए क्वालिफाई नहीं कर पाया, एक्चुअली मेरा फर्स्ट राउंड क्वालिफाई हो गया था बट उसके बाद ही मेरे फादर साहब की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद सारी जिम्मेदारी मेरे मेरे पर ही आ गई थी। छोटा भाई भी है तो उसकी जिम्मेदारी है, स्कूल फीस वगैरह, तो कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही थी, तो उसकी वजह से मेरे को रात को कॉल सेंटर में काम करने की वजह से मेरा इतना फोकस नहीं रह पाया गेम पर। जिस तरह अब रात को सुबह 5 बजे होता है मेरा ओवर होती है शिफ्ट, तो उसके बाद 6:30 बजे तक मैं ग्राउंड पर पहुँच जाता हूँ और उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे तक अपनी ट्रेनिंग करके और उसके बाद घर पे जाता हूँ और खाना खा के थोड़ी देर 2-3 घंटे सो के और फिर 12 बजे थोड़ी सी टैक्सी चला लेता हूँ, जिस रैपिडो वगैरह, तो वो यू चला लेता हूँ ताकि मेरा पेट्रोल का खर्चा भी निकलता रहे, और उसके बाद फिर सीधा शाम को ट्रैक पर और रात को फिर से ड्यूटी।